कच्चे झंगोर नहीं है मैडम, आपके हाथ कच्चे हैं। जो आप पूरा कट गया मेरे। तो दोस्तों पहाड़ की बात की जाए तो आजकल पहाड़ों में औरतों के बुरे हाल हैं। जब से देवरानी आई है ना दोस्तों, तब से मैंने मजे मजे आ गए। घर के इस वाले खेत में फेंक रहे हैं गोबर, और आधा आधा ना केले वगैरह होते ना, इनको चूहे या फिर किसी पक्षी ने खाया होगा। ये देखो घास काटने के लिए, क्योंकि घास तो काटनी है। और ये जो बरसाती है ना, ये मेरे सर। आप सोच रहे होंगे कि इतने छोटे छोटे क्यों तोड़ दिए, तो ये ना थोड़ा गोल। हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्रणाम। स्वागत है आप सभी का हमारे आज की एक और नई वीडियो में। नए वीडियो की शुरुआत भी हो चुकी है सुबह से, और अभी हम लोग आए हैं अपने गौशाले पे। मैं आ चुकी हूँ गौशाले पे, और देवरानी और सासू जी ना अभी घर पे हैं। तो आज हमें फेंकना है गोबर, क्योंकि दोस्तों आजकल हमारे पहाड़ों में जो है लवाई मंडवाई का काम चल रहा है। जैसे झंगोरे की लवाई, उसकी मंडवाई चल रही है। लवाई तो दोस्तों लगभग लगभग हो ही चुकी है, तो अभी जो झंगोरे का घास होता है, जिसको हमारे पहाड़ी भाषा में नयो बोलते हैं, उसकी कटाई चल रही है। और साथ साथ में ना अब हल लगाने का काम भी शुरू हो जाता है। तो आज हम लोगों को फेंकना है अपने घर के जो इधर वाला खेत है, उसमें गोबर डालना है, और उसमें अब धीरे धीरे हल भी लगाना स्टार्ट कर देंगे। क्योंकि जैसे खेत खाली होते हैं ना, उनमें हल लगा देते हैं, और जो ये मतलब अब गेहूँ बोने के लिए जो खेत तैयार किए जाते हैं, उसको दो दो तीन तीन बार हल लगाना पड़ता है। तो इसलिए अभी एक बार हल लगाया जाएगा खेतों को खाली करके, क्योंकि जो खरपतवार है ना, वो तब पूरी तरह नष्ट हो जाती है। आज के मौसम की बात करी जाए तो चारों तरफ ना कोहरा लगा हुआ है, और हल्की सी धूप आ रखी है अभी, तो धूप से आंखें भी नहीं खुल रही हैं। तो बाकी कोहरा लगा हुआ है, तो चलिए यहाँ से अभी हम दोनों को फेंकना है गोबर। देवरानी आएगी, फिर हम दोनों गोबर ले जाएंगे। तो आप भी बने रहना आगे वीडियो में, जो भी होगा आज का दिनचर्या आप लोगों के साथ हम शेयर करते रहेंगे। इस वाले खेत में ना हमने दोस्तों मिर्ची लगा रखे थे, जो कि अभी ना पक चुके हैं। तो अभी हमने इस पर गोबर भी हमने इसी में रख रखा है, तो इस गोबर को फेंकेंगे हम, जो कि ना काफ़ी ज़्यादा गीला हो रखा है। तो मैंने कंडियों के साथ ना कट्टा भी ला रखा है पीठ पे लगाने के लिए। तो चलो ले जाते हैं अभी इस गोबर को। यहाँ पे देखिए पेड़ पे ना हमारे कुछ केले लग रखे थे, और जिसको देखो चूहे खा गए हैं। तो पहाड़ों में क्या होता है कि जो केले वगैरह होते हैं ना, इनको चूहे या फिर किसी पक्षी ने खाया होगा। ये देखो तो कितने बड़े बड़े जो हैं इस पर केले लगे हुए थे, जिसको कि ना किसी चीज़ ने खा दिया है। तो दोस्तों अभी देखिए हम ना घर के इस वाले खेत में फेंक रहे हैं गोबर, और आधा आधा ना हमने फेंक दिया है। तो जिस खेत से हम लोग गोबर फेंक रहे हैं, उसमें अभी सासू जी ना शायद मूली बोने वाले हैं, तो उसको हमें अभी खाली करना है। तो अभी मैं और देवरानी फेंक रहे हैं, तो चलिए फिर। और अब ना हमारे पहाड़ों में मूली राई ये सब बोने का सीजन भी स्टार्ट हो गया है, तो आजकल बोया जा रहा है मूली और राई। इस खेत में ना दोस्तों हमने उधर साइड तक पूरा गोबर डाल दिया है, और अभी ना गोबर ख़त्म हो चुका है। तो हम ना एक बार इसको पूरा फैला देते हैं इसमें। बाकी ऊपर साइड से देखिए काफ़ी ज़्यादा मतलब कोहरा कोहरा जैसा लगा हुआ है, ऐसा लग रहा है कि बारिश आने वाली होगी। और देखिए हवा भी चल रही है, तो कुछ इसमें ना इधर साइड को घास भी बच रखी है। ये मुंगरी के पेड़ जिसपे कि ना जो अलग्यारे होते हैं ना, वो घूम रहे हैं, तो इतना डर भी लग रहा है, क्योंकि ये जो अलग्यारे होते हैं ना, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होते हैं। ये देखो अगर इसने काट दिया ना, मेरा हाथ काटा था इसने परसों। ये देखो, तो चलो एक बार इसको फैला देते हैं। तो दोस्तों पहाड़ की बात की जाए तो आजकल पहाड़ों में औरतों के बुरे हाल हैं, लगातार काम से परेशान। थोड़ा भी कुछ बोले तो इतने बड़े आंखों से हमें देखा जा रहा है, और क्या कारण है उसका तो हम बता रहे हैं आपको। तो हमारे पीछे देख सकते हैं आप, बिल्कुल किरण देवी यहाँ पर काफ़ी आफत लग रही है शकल से, कि काफ़ी दिक्कतों का सामना। और जो मेरी आजकल जो मेरी ड्यूटी है, तो ये देखो 24 घंटे मेरे कंधे में, इसने मेरे कंधे तोड़ दिया। कुछ बोलेंगे सर आप? कुछ बोलेंगे? हेलो, कुछ बोलेंगे? क्या कर रहे हो? हेलो। तो दोस्तों इसकी बस की भी नहीं, और बाकी पीछे देख सकते हैं वहाँ पर हमारी माता जी, और यहाँ पर किरण देवी, और यहाँ पर किरण देवी की सिस्टर का आता पता नहीं है बीच में।
लगातार आजकल हमारे जो पहाड़ों की एक फसल है जिसे हम झंगोरा कहते हैं, तो आजकल झंगोरे तो कट गए हैं और आजकल झंगोरे की जो है पेड़ों की नहीं वो बोलते जिसको हमारे यहाँ वो कट रहे हैं। तो मेरे कान मत छेड़, हाँ मेरे कान मत छेड़। अरे तो ये देखो माता जी बिल्कुल परेशान। मैडम कुछ कहेंगे आप? मैडम कच्चा झंगोर नहीं है, मैडम आपके हाथ कच्चे हैं। जो आपसे आपसे ये टहनी यानी मुड़ी है। तो दोस्तों अभी यहाँ पर देखो ऐसा है, कुछ दिन बाद यहाँ पर बनने वाला पूरा खेत में इतना बड़ा तालाब, मतलब 3 महीने में यहाँ पर एक तालाब खड़ा होने वाला है। और माता जी का बड़ लगा है। कितने बड़े यहाँ पर देखिए, और ये पता नहीं कहाँ से गिर रहे हैं यार, ये बेंदर नहीं लगी भाई। ना है जान मेरी मम्मी हम होए गए दान। तो मैडम और कुछ कहेंगे आप इसमें? करती है वीडियो बना लिया, गाना लगा ना किले, डांस कर हाँ, डांस कर किले नहीं करो कर बढ़िया बात डांस कर हाँ। तेरे आँखों को कजल छोरूंगा। और मैडम यहाँ पर बैठ चुकी है। अभी दोस्तों दिन के 3 बजे हैं और अभी देखिए फिर से ना लगातार बारिश लग चुकी है। तो आज जैसे ही हम लोगों ने दिन का खाना वगैरह खाया उसके बाद ना बारिश लग गई थी, तब भी हमने मतलब घास वगैरह संभाला तो मैं मतलब आपको दिखा नहीं पाई। बाकी अभी देखो तेज़ बारिश आ रही है, ये देखो। तो आज 1 बजे से बारिश लग गई थी और अभी 3 बज चुके हैं, अभी तक ना लगातार बारिश लगी हुई है। हमने ना पहले खाना खा लिया था और मिस्टर जी ने बाद में खाया खाना, और उनके साथ था रवि। तो अभी देवरानी वो बर्तन धो रही है, ये देखो कहाँ धोना पड़ रहा है बर्तन क्योंकि बारिश आ रही है। तो हम दोनों भी यहाँ पे बर्तन धोएंगे, फिर आगे का जो भी काम होगा। अभी ना हमने घास भी काटना है क्योंकि हमने ना सुबह घास भी कम ही काट रखा है, उसके बाद बारिश थोड़ा कम होगी तो हम लोग घास लेने जाएंगे। तो देखो पहाड़ों का ना कोई, पहाड़ों के मौसम का ना सच में सही कहते हैं कि कोई भरोसा नहीं। सुबह से इतनी धूप हो रही थी चटक वाली और अभी देखिए फिर से बारिश स्टार्ट हो गई है। आई तो देखो सासू जी ना इस बारिश में भी जा रहे हैं अभी दुकान सामान लेने के लिए। और सासू जी बोल रहे हैं कि आपने खाना अभी खाया, देखो बर्तनों को देख के। उनको क्या पता कि हमारे घर पे 24 घंटे से बर्तन होते हैं। वही तो यहाँ पे ना बर्तन एक ही आदमी धो सकता है, तो मेरी तो छुट्टी हो गई है। मैं कहाँ से धो। जब से देवरानी आई है ना दोस्तों तब से मेरे मजे आ गए हैं। अभी ना दोस्तों बारिश लगी हुई है तो मैं जा रही हूँ अभी घास काटने के लिए, क्योंकि घास तो काटने है। और ये जो बरसाती है ना ये मेरे सर पर अटक ही नहीं रही है। बाकी सासू जी और देवरानी गए हैं गाय भैंसों को खोलने, मतलब ग्वाला ले जाएंगे वो उनको। और मैं जा रही हूँ घास के लिए क्योंकि हमने ना सुबह भी नहीं काटा था घास, तो मैंने सोचा अभी मैं ही चली जाती हूँ घास काटने के लिए। तो चलो एक बार घास काटते हैं। बाकी यार कोई फ़ायदा नहीं है बरसाती लेके भी, वैसे भी ना मैं भीगी जाऊंगी। और चारों तरफ ये देखो कोहरा सा लगा हुआ है। बाकी मुझे यहाँ नीचे पे से काटना है घास, रास्ते भर में ना इतनी ओस भी हो रखी है जहाँ पे कि घास लंबा हो रखा है, तो ये पूरा भीग जाऊंगी मैं यहाँ से। तो यहाँ नीचे से काटना है मेरे को घास। अभी ना दोस्तों मैं आ चुकी हूँ घास लेके, और अभी ना
बताओ अभी ना सूर्यास्त होने लग गया है, तो अभी ना मौसम काफ़ी ज़्यादा बढ़िया हो गया है। फिर से मतलब हल्की हल्की धूप की किरणें आ रही हैं बाकी, और जो उधर की साइड कोहरा लगा हुआ था वो सब साफ हो चुका है। तो देवरानी अभी ग्वाला से नहीं आई है, सासू जी अंदर बैठे हैं मितांश के साथ, तो मैं भी चलती हूँ। मितांश नेगी क्या कर रहे हैं यहाँ पे, शैतानी से अलावा तो कुछ करेगा नहीं। तो लगातार बारिश आ रही है और अब ना मतलब लवाई का टाइम भी आ गया है, और साथ में ना घास काटने का यानी कि गाजो वगैरह जो भी होता है उसका टाइम भी स्टार्ट होने वाला है। और बारिश ना हमेशा अब ऐसे ही करती है, जैसे काम का टाइम होता है तो बारिश आ जाती है। तो चलिए फिर मितांश क्या कर रहा है आप लोगों को दिखाते हैं, क्या कर रहा है हमारा मितांश। बाकी देखो अभी मौसम कैसा हो गया है, और यहाँ पे सनसेट चल रहा है। तो चलिए चलते हैं अंदर। तो दोस्तों अभी देखिए मैं ना सब्जी तोड़ के भी ले आई हूँ, और आज हम लोग बनाने वाले हैं ये देखो लौकी की सब्जी, जो कि ना हमारे घर की ही लौकियाँ हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि इतने छोटे छोटे क्यों तोड़ दिए, तो ये ना थोड़ा गोल वाले लौकी हैं जो कि थोड़ा गोल गोल से होते हैं ये देखो। तो हमने ना इनको छोटे छोटे इतना छोटा भी तोड़ रखा है, इसलिए तोड़े हैं क्योंकि बंदर ना इनको ले जा रहे हैं। इतना छोटा भी हो रहा है तो सीधे बंदर लेके चले जा रहे हैं, तो इसलिए हमने जो ये मतलब उसके लगुले के अंदर छुपा रखे थे ये वो वाली लौकी है। बाकी देवरानी भी आ चुकी है घर पे, तो अब हम बनाएंगे आज लौकी की सब्जी। तो चलिए। तो दोस्तों यहाँ पर ना अभी हमने लौकी भी काट दी है, और चूल्हे में मैंने चढ़ा दिया है तेल। तो ये देखो कितनी तेज आग जल रही है। तो चलिए बनाते हैं लौकी की सब्जी टेस्टी वाली। दोस्तों देखिए यहाँ पे ना मेरी सब्जी भी बन के रेडी हो चुकी है। अभी ये थोड़ा अच्छे से नहीं पकी है। तो जो ये लौकी की सब्जी क्या थी, पहले ना ये पूरा कढ़ाई फुल हो रखी थी, और अब देखो पकने के बाद थोड़ा कम हो गई है, तो और पकाएंगे तो ये और कम हो जाएगी। तो ये है घर की लौकी। तो दोस्तों ये देखो अभी यहाँ पे चल रही है हमारे मितांशु की शैतानी। इसने ना यहाँ से चाची के लॉकर से ये निकाल के इसमें जितने जूते चप्पल थे सब फेंक दिए हैं। क्यों किया आपने ये ऐसा काम? बीप, बीप, बीप। ये गाड़ी चला रहे, यहाँ पे लिखाई पढ़ाई चल रही है, फॉर्म भरे जा रहे अभी। तो दोस्तों मेरा कुछ काम था वही हम लोग कर रहे हैं, ये अभी इसको थोड़ा भरना है हमको। बाकी इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं कल नए ब्लॉग में नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।